अवधेश कुमार जी, आज मामला ये है, मेरी सिकंदरा कारगिल पेट्रोल पंप के पास 1100 वर्ग गज जमीन है। यहाँ पर कुछ भूमाफिया लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। सुनील राजपूत, आनंद राजपूत और रामदास जाटव, इनके साथ 50-60 लोग आए, मारपीट के हम लोगों को भगा दिया वहां से। और हम पुलिस के पास गए, कोई किसी भी प्रकार की हमारे साथ कोई मदद करने की मदद नहीं की। हमारे कागजात छीन लिए, 15,000 रुपए छीन लिए, मोबाइल भी छीन लिया। 112 पे कॉल लगाया, वो एक घंटे बाद आए, उन्होंने हमें बुला के मोबाइल तो दे दिया लेकिन कागजात नहीं दिए, ना रुपए लौटाए। हम थाने में हमको बिठाए रखा, किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जब तक उन्होंने बाउंड्री, अब उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इसमें पुलिस की मिली भगत से पूरा काम हुआ है, और हो सकता है शायद ऊपर से भी कोई भाजपा के नेता ही मिले हों। डीसीपी साहब के यहाँ गए, उन्होंने कहा मैं इसको सीज कराऊंगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल आश्वासन देकर हमें वहां से कह दिया कि आप जाओ, मैं इसको सीज कराऊंगा। हाँ, रामदास, आनंद और सुनील राजपूत, तीनों लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है, और 50-60 अन्य लोग भी थे उनमें के साथ। कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोर्ट की कॉपी ये रही, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट के विचाराधीन होते हुए भी उन्होंने कार्यवाही नहीं की किसी भी प्रकार की, उन्होंने घेर लिया। सुशील गोयल से मैंने रजिस्ट्री कराई, पावर टोनी ली, पावर टोनी से मैंने रजिस्ट्री की। सुशील गोयल साहब की रजिस्ट्री है मेरे पास, हाँ उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, पहले से मुकदमा चल रहा था। बालाजी सहकारी डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ डॉक्टर के सिंगल, डॉक्टर रजवाला सिंगल, दोनों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। उन्होंने वो उनकी बेटी हैं, वो वसीयत में ये कह गए मेरा भारती को इस जमीन से कोई मतलब नहीं है, जो भी कुछ है वो मैं दे चुका हूँ। हाँ, फिर भी भारती गुप्ता ने भी एक रजिस्ट्री की है, फर्जी रजिस्ट्री।